हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो, जिसमें आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। शुरुआत करेंगे सिनेमा की इंटरनेशनल खबर से, जिसका इंडिया से तगड़ा कनेक्शन है। ऑस्कर 2021 ने 10 फरवरी को 9 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज की घोषणा की। इससे ये पता चला कि इंडिया की 2021 में ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री मलयाली फिल्म जलीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीतने की रेस से बाहर हो गई है। ये फिल्म टॉप 12 फीचर्स में अपनी जगह नहीं बना पाई। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान वो फिल्में हैं जिन्होंने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई थी अकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म कैटेगरी में। पहले जिस कैटेगरी का नाम बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म था, उसे बदलकर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कर दिया गया है। पिछले साल बेस्ट फिल्म के साथ साथ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी फिल्म पैरासाइट ने जीता था। जलीकट्टू के अलावा विद्या बालन स्टारर शॉर्ट फिल्म नटखट भी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नामित की गई थी। मगर ऑस्कर 2021 द्वारा जारी किए गए शॉर्टलिस्टेड शॉर्ट फिल्म्स में से नटखट का नाम भी गायब हो गया है, यानी ये फिल्म भी ऑस्कर जीतने की रेस से बाहर हो गई है। अब ऑस्कर 2021 में इंडिया की इकलौती उम्मीद बची है, जिसका नाम है बिट्टू। करिश्मा देव दुबे डायरेक्टेड इस शॉर्ट फिल्म को भी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जगह दी गई थी। अकेडमी की जारी की गई शॉर्ट लिस्ट में बिट्टू ने अपनी जगह बरकरार रखी है। साल 2021 अकेडमी अवार्ड्स के फाइनल नॉमिनेशंस की घोषणा 15 मार्च 2021 को की जाएगी। 93वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाएगा। अब खबर है मनोज बाजपेयी की, जो जल्द ही द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में दिखाई देने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी आने वाली फिल्म की तैयारियों में मनोज इतने बिजी हो गए हैं कि उन्होंने सभी से मिलना जुलना कम कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिंग में परफेक्शन के लिए मनोज 15 दिनों की एक वर्कशॉप पर चले गए हैं, जिसे तितली फेम डायरेक्टर कनु बहल ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मनोज ने हाल ही में कनु बहल के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डिस्पैच साइन की है। इस वर्कशॉप के अलावा मनोज अपनी अगली फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक दुनिया से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आमिर खान भी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले तक कम्युनिकेशन डिटॉक्स पर चले गए हैं। कम्युनिकेशन डिटॉक्स मतलब उन्होंने अपने फोन से दूरी बना ली है। अगली खबर है कृति सेनन की, जो जल्द ही टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत में नजर आएंगी। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। कृति के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ ने लिखा, खत्म हुआ इंतजार, कृति सेनन एक बार फिर से इनके बंडल ऑफ टैलेंट के साथ काम करने को तैयार हूं। इस लुक में कृति सेनन एक बाइक पर बैठी हुई दिख रही हैं। फिल्म में उनके किरदार का नाम जस्सी होने वाला है। कृति और टाइगर ने एक साथ फिल्म हीरोपंती से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। गणपत फिल्म की बात करें तो इसे फिल्म सीरीज के तौर पर कंसीव किया गया है, यानी ये इकलौती फिल्म नहीं होगी, इसकी कहानी एक से ज्यादा फिल्मों में दिखाई जाएगी। इसे डायरेक्ट करेंगे विकास बहल, जो इससे पहले सुपर 30 और क्वीन जैसी फिल्में बना चुके हैं। 9 फरवरी को एक्टर राजीव कपूर की डेथ हो गई। सितारों ने उनके जाने का दुख जताया। अब पता चला है कि पूरे 3 दशक बाद राजीव कपूर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे थे। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म तुलसीदास जूनियर में उन्होंने काम किया था। आशुतोष ने ट्वीट किया, राजीव कपूर के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। मैं राम तेरी गंगा मैली के समय से उनका फैन था। हमने मेरी होम प्रोडक्शन फिल्म तुलसीदास जूनियर का शूट पूरा कर लिया था, जिसे मृदुल ने निर्देशित किया है। राजीव बेहद प्यारे इंसान थे और अपना हिस्सा उन्होंने बड़ी मस्ती के साथ बड़ी आसानी से पूरा किया। उनकी बहुत याद आएगी। अब ये तो तय है कि हम राजीव को बड़े पर्दे पर फिर से देखेंगे, अगर उनका क्या रोल होगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी बुक अनफिनिश्ड को लेकर खूब चर्चा में है। इसी बुक के प्रमोशन के लिए एक वीडियो इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि वो जल्द ही अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट सिटाडेल पर काम शुरू करने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि टेक्स्ट फॉर यू और मैट्रिक्स की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके तुरंत बाद वो अमेजॉन स्टूडियो की अगली सीरीज सिटाडेल की शूटिंग शुरू कर देंगी। इसमें प्रियंका के साथ रिचर्ड मार्डेन भी नजर आएंगे। इस सीरीज को रूमो ब्रदर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसेंटली प्रियंका की फिल्म द व्हाइट टाइगर भी OTT पर रिलीज हुई थी, जिसे लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया था। इस सीरीज को द फैमिली मैन फेम राज एंड DK की जोड़ी क्रिएट करेगी।
अगली खबर है कंगना रनौत की, जो इन दिनों खुद को ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप से कंपेयर कर रही हैं। कंगना ने एक ट्वीट करके लिखा, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का अलर्ट। जैसी रेंज एक परफॉर्मर के तौर पर मेरी है, मुझे लगता है इस पृथ्वी पर वैसी किसी भी एक्ट्रेस की नहीं है। मेरे पास मेरिल स्ट्रीप जैसा टैलेंट है कठिन किरदारों को निभाने के लिए, वहीं गैल गैडोट जैसी एक्शन स्किल और ग्लैमर भी है। एक ट्वीट करके कंगना ने यह भी लिखा कि उनके पास नेशनल अवार्ड्स और पद्मश्री हैं, जबकि मेरिल स्ट्रीप के पास ये नहीं है। लोगों ने कंगना के इस ट्वीट पर उनकी हंसी उड़ा ली। उनके इस ट्वीट पर कमेंट आने शुरू हो गए। एक ने लिखा, नेशनल अवार्ड सिर्फ इंडियन फिल्म्स के लिए होता है, मेरिल इसे नहीं जीत सकती जब तक वो इंडियन फिल्मों में काम नहीं करती, ऑस्कर सबके लिए होता है। अब जरा उनके बारे में जान लीजिए जिनसे कंगना खुद को कंपेयर कर रही हैं, यानी मेरिल स्ट्रीप। इनका नाम 21 बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, जिसमें से 3 बार मेरिल को ऑस्कर अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए 32 बार नॉमिनेट होने का रिकॉर्ड भी सिर्फ मेरिल के पास ही है, जिनमें से 9 बार उन्होंने ये अवार्ड जीता भी है। साल 1977 में जूलिया फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। इसके बाद उनकी फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने क्रेमर वर्सेस क्रेमर, सोफीज चॉइस, द आयरन लेडी जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव की फिल्म द व्हाइट टाइगर के प्रोड्यूसर मुकुल देवड़ा पर अवैध तरीके से पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। अमेरिकी फिल्म मेकर जॉन हार्ट और प्रोड्यूसर सोनिया ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से इसकी शिकायत की है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन और सोनिया ने ईडी को भेजे हुए ईमेल में मुकुल देवड़ा के लेन देन की जांच करने की रिक्वेस्ट की है। जॉन हार्ट का कहना है कि उन्होंने मार्च 2009 को अरविंद अडिगा से उनके नॉवल द व्हाइट टाइगर के राइट्स खरीदे थे, मगर ये फिल्म बाद में मुकुल देवड़ा ने बना ली। इसी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अगली खबर है सलमान खान की, जिन्हें साल 1998 में जोधपुर के पास 2 काले हिरण शिकार मामले में गिरफ्तार किया गया था। आर्म्स एक्ट के तहत जब ये केस दर्ज हुआ तो सलमान से उनके हथियारों का लाइसेंस मांगा गया। उस वक्त उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया यानी एफिडेविट, और कहा कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। लाइसेंस खोने की FIR भी कोर्ट में पेश की गई। अब सलमान के वकील ने बताया कि लाइसेंस कहीं खोया नहीं, बल्कि उन्होंने उसे रिन्यू करवाने के लिए भेजा था। 18 साल बाद सलमान के वकील ने ये बात कबूल की है कि कोर्ट में पेश किया गया एफिडेविट झूठा था। न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, 8 अगस्त 2003 को गलती से गलत एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी। सलमान खान बहुत बिजी एक्टर हैं और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनका लाइसेंस उस समय कहाँ है। इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट में CRPC 340 के अंतर्गत एक अर्जी पेश की और गुहार की कि सलमान खान कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपील की कि इस बात पर मुकदमा भी दर्ज किया जाए। 9 फरवरी को जोधपुर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसे अगली तारीख यानी 11 फरवरी को सुनाया जाएगा। अक्टूबर 2018 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराया था। इसी फैसले को सलमान ने कोर्ट में चुनौती भी दी थी। साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण को मारने के लिए उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया था। अब अगली खबर है आमिर खान की बेटी इरा खान की, जिन्होंने एक वीडियो शेयर करके बताया है कि वो डिप्रेशन में है। इरा ने बताया है कि वो बीते दिनों अपनी कजिन की शादी में शामिल हुई थी, मगर वहां भी खुश नहीं थी। इरा वीडियो में कहती हैं, मैं शादी के लिए बहुत खुश हो सकती थी, लेकिन अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इस बात से मैं अच्छी तरह परिचित थी कि मैं खुश नहीं हूँ। इरा से पहले अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने भी सोशल मीडिया पर इस चीज़ को कबूल किया था कि वो डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं, मगर धीरे धीरे वो इससे बाहर आई। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अपने डिप्रेशन की बात शेयर की थी, जिससे बाहर आने के बाद उन्होंने डिप्रेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने और इससे निकलने के तरीकों को लेकर भी कई तरह के प्रोग्राम भी बनाए थे। द सिनेमा शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।